हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। नाउ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में सिंपल सा मीनिंग है, जब सोसाइटी का हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने लग जाता है, जब सभी लोग सेव करने लग जाएंगे तो वो लोग स्पेंड नहीं करेंगे, और जब वो स्पेंड नहीं करेंगे तो स्पेंडिंग ऑन नेशनल इनकम किसी भी इकोनॉमी में डाउन हो जाएगी। ये हमने एग्जाम्पल देखा था COVID-19 के लॉकडाउन के टाइम, जब सब जगह अनसर्टिनिटी थी, कुछ भी क्लियर नहीं था, तो सब लोग सोच रहे थे कि हमको सेव करना है किसी भी बुरी स्थिति के लिए। उसके बाद क्या हुआ, जब सब लोग सेव कर रहे थे तो बैंक में सेविंग्स बढ़ गई और कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, तो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो डाउन हो गया। जब इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया तो लोगों ने सोचा कि यहाँ पर इतना इनकम नहीं है, तो इससे बेहतर है कि हम कहीं और इन्वेस्ट करें, तो गोल्ड के प्राइसेस में और अदर एरियाज में लोग इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। तो जब सब लोग एक साथ सेव करने की कोशिश करते हैं तो इकोनॉमी को फायदा नहीं नुकसान होता है, क्योंकि वो चीज़ इन्वेस्टमेंट में टर्न नहीं होती। न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि ये जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन होगा लोग दूसरे दूसरे एरियाज ढूंढ लेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब सब लोग एक साथ सेव करते हैं तो इकोनॉमी के लिए फायदेमंद नहीं होता है।